दोस्तों, क्या आपने कभी टीवी पर या किसी भी माध्यम से स्वर्ग लोक या पाताल लोक देखा है? स्वर्ग लोक कैसा दिखता है ये बता पाना तो मुश्किल है, मगर पाताल लोक कैसा दिखता है ये हम आपको बता सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। दरअसल भारत में ही एक ऐसी जगह है जिसे पाताल लोक कहा गया है। जगह का नाम भी पाताल लोक से मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर आपको स्थान मिल जाएगा। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से लोगों का गुजर बसर हो रहा है और कैसे कट रहा है अंधकार भरा जीवन। तो इस खास वीडियो में अंत तक बने रहना। लोग हमेशा उन चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं जो प्रकृति में असामान्य होती है। जब प्रकृति समान पैटर्न का पालन नहीं करती है तो ये लोगों के लिए चौंकाने वाली बात होती है। साथ ही प्रकृति ऐसी चीजें भी बनाती है जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा था। आज हम आपको ऐसी एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये इतना खूबसूरत है कि यकीनन आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। ऐसा माना जाता है कुछ सालों पहले तो इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ भी मनुष्य की एक प्रजाति सदियों से रह रही है। पातालकोट सतपुड़ा पर्वत में स्थित एक खूबसूरत जगह है। ये कई रहस्यों और तथ्यों के साथ एक गहरी घाटी है जिसे जानना दिलचस्प है। आज हम आपको बताएंगे पातालकोट के बारे में कुछ रहस्यमय बातें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल लोक राक्षस और नागों का घर है। पातालकोट पातालकोट की ही घाटी के पहाड़ों और जंगलों में स्थित है एक छोटा सा गाँव। यहाँ रहने वाले लोग गोंड और भारिया जनजाति के हैं और वे बहुत मिलनसार और स्वागत करने वाले हैं। यह लगभग 1500 से 2000 लोगों की प्रजाति है। यहाँ लगभग 1500 से 2000 लोग ही रहते हैं, इसलिए ये बहुत ही शांत और एकांत स्थान है। पातालकोट की इस घाटी में लोग प्राचीन समय से रहा करते थे। वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस घाटी के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। इस घाटी में जो भी लोग रहते थे उनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जब सरकार को इस घाटी के बारे में पता चला तो सरकार भी एक्शन में आ गई। अनोखी बात तो ये है कि शहर से इतनी दूर घने जंगलों में भी इंसान रहते हैं। छिंदवाड़ा के तामिया क्षेत्र में हरी भरी पहाड़ियों में 12 गांवों में फैली 2000 से ज्यादा भारिया जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ हर गाँव में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी स्थित है। ये जगह दवाइयों यानी कि औषधियों का खजाना मानी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 3 गांव ऐसे भी है जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती हैं। ऐसे में कड़ी धूप के बाद भी यहाँ का नजारा शाम जैसा दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गांव धरती से लगभग 3000 फुट नीचे बसे हुए हैं। पातालकोट में ऐसा बहुत कुछ है जो काफी दिलचस्प और सच है। पातालकोट एक ऐसी जगह है जहाँ गोंड और भारिया जनजाति कई सदियों से रह रही है। उनका मानना है कि यहीं पर रामायण की सीता धरती में समा गई थी, जिससे एक गहरी गुफा बन गई थी। कहा जाता है कि रामायण काल में हनुमान ने रावण से भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए यहाँ से भूमि में प्रवेश किया। यहाँ के गाँव में हमेशा बादल रहते हैं, जिसका अर्थ है कि यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। हालांकि जिन गाँवों में धूप पड़ती है वहाँ दोपहर में कुछ देर के लिए रोशनी होती है। पातालकोट में आखिर कैसे रहते हैं लोग? पातालकोट में लोग बिना कपड़ों के रहते थे और जंगली जानवरों को खाते थे। लेकिन अब वे धीरे धीरे अपनी जीवन शैली बदल रहे हैं और खेती कर रहे हैं। वे भी कपड़े और गहने पहनने लगे हैं, लेकिन उनके गाँव में बिजली नहीं है। हालांकि इस इलाके में बिजली लाने का काम जारी है, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि इलाका नीचा है और वहाँ पहुँचने का रास्ता भी मुश्किल है। पातालकोट में लोग मिट्टी और घास से बने घरों में रहते हैं। वे अक्सर उस क्षेत्र में जड़ी बूटियाँ पाते हैं जिनका उपयोग वे भोजन में कर सकते हैं। वो आम के पेड़ भी उगाते हैं। महुआ की सब्जी और आम के बीज की रोटी यहाँ का मुख्य भोजन है। कहा जाता है कि पातालकोट में लोग बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। ये लोग तामिया तहसील के बाजार में जड़ी बूटी बेचने जाते हैं और साथ में अपना जरूरी सामान भी लाते हैं। यहाँ की चट्टाने ज्यादातर आर्कियन युग यानी कि लगभग 2500 मिलियन साल पुरानी है। इसमें ग्रेनाइट, ग्रीन सिस्ट, मूल चट्टान, गोंडवाना तलछट के साथ क्वार्ट्ज, बलुआ पत्थर, शैलियां और कार्बोनेसियस शैलियां पाई जाती है। इस घाटी में दूधिया नदी भी बहती है।
पाताल कोट में विशाल चट्टान के नीचे 100 फुट लंबी और 25 फुट चौड़ी गुफा है, जिसे राजा खो कहा जाता है। बताया जाता है कि नागपुर के राजा रघुजी ने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन जब अंग्रेज उनके लिए खतरा बन गए तो उन्होंने इसी गुफा में शरण ली थी। तब से इस जगह का नाम राजा खो पड़ गया। राजा खो में बड़े बड़े पेड़ और जंगली बेल हैं। यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। यहाँ रहने वाले लोग इन्हीं जड़ी बूटियों से अपना इलाज करते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ बादल ऐसे दिखाई देते हैं मानो तैर रहे हों। लेकिन अब इस जगह का पहले से काफी ज्यादा विकास भी हो गया। 2007 में यहाँ विकास की नींव रखते हुए पहला आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया था। साथ ही अब यहाँ और दूसरे लोगों के जाने और आने के लिए भी रास्ते बन गए हैं, इसलिए आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जगह अपनी संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक पर्यावरण की वजह से जानी जाती है। जहाँ तक नजरें घुमाओ सिर्फ हरियाली और शांति ही दिखाई पड़ती है। जगह इतनी गहराई में बसी हुई है कि यहाँ तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। दिन भी रात की काली चादर की तरह दिखाई पड़ता है। जैसे ही रात होती है उसके साथ साथ जंगल और घना और ज्यादा डरावना हो जाता है और जानवरों की आवाज गूंजने लगती है। इस जगह में कई साहसी और इतिहासकारों के लिए कई रहस्य छुपे हैं। यहाँ आने पर आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। आप किसी भी रास्ते में आइए, आपको गहरी घाटी में 5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना होगा, तब जाकर आप पातालकोट पहुंचेंगे और आपको स्वर्ग जैसा अनुभव मिलेगा। ये जगह आपको डराएगी भी और दूसरी दुनिया की सैर भी करवाएगी। अगर आप यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं तो मॉनसून का मौसम यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा समय है। साथ ही हर साल अक्टूबर के महीने में यहाँ सतपुड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल नामक त्योहार भी आयोजित किया जाता है, जिसका आप मजा उठा सकते हैं। ये भी कहते हैं कि धूप नहीं पहुंचने के कारण यहाँ लोग बौने होते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। यहाँ सामान्य कदकाठी के लोग मिलते हैं। अब तो पहनावा भी शहरी जैसा हो गया है। इनकी बोली भी कोई बहुत अलग नहीं है, हिंदी से जुड़ती हुई सामान्य बोलचाल में बात करते हैं जो समझ में आती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अब पाताल कोट भी शहर से जुड़ रहा है और अब डेवलप हो रहा है, क्योंकि सरकार भी पाताल कोट की तरफ ध्यान दे रही है। यहाँ के दिग्गज जानते हैं कि किन पौधों का औषधीय महत्व है और किसे खाया जा सकता है, तो पातालकोट की औषधीय जड़ी बूटियों और वन आवरण को कैसे बचाया जा सकता है, वहाँ के आचार्य सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि सरकार को गुंडों और भारियाओं की वर्तमान पीढ़ी को उनकी विरासत के बारे में शिक्षित करने के लिए अभियान चलाना होगा। यदि वो जल्द ही पर्याप्त नहीं होता है तो भारत अपने पास से अब तक के हरे धब्बों यानी जंगलों में से एक को खो सकता है। पातालकोट अब एक दार्शनिक स्थल बन चुका है। पहले शहरी लोग यहाँ आने से डरते थे क्योंकि यहाँ का रास्ता सही नहीं था और बीच में कई जंगली जानवर भी मिल जाते थे। साथ ही यहाँ रहने वाले आदिवासियों को शहरी लोगों का आना भी पसंद नहीं था, मगर अब ऐसा नहीं है। पातालकोट में मौजूद कुछ गांव ऐसे हैं जो बाहरी दुनिया के लोगों का वहाँ फैलाकर स्वागत करते हैं, मगर आप जिस रास्ते से भी नीचे जाएंगे वहाँ से आपको हजारों सीढ़ियां नीचे उतरना ही होगा। साथ ही कुछ ऐसे स्थान भी आपको मिलेंगे जहाँ आपको पगडंडियों पर भी चलना होगा। सरकार पातालकोट को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है ताकि ये वनों की कटाई और वन क्षरण की प्रक्रिया को उलटने में मदद कर सके। ऐसा करने का एक तरीका स्थानीय स्वदेशी समुदायों के साथ काम करना है। सतपुड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहे जाने वाला ये फेस्टिवल इसका उदाहरण है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ऊंची पहाड़ियों के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त देखना भी अद्भुत अनुभूति है। व्यू पॉइंट नामक स्थान से सूर्य की लालिमा जब पहाड़ों पर पड़ती है तो अलग ही दृश्य बनता है। यहाँ रुकने के लिए होटल हैं, सरकारी गेस्ट हाउस भी हैं। अभी यहाँ होम स्टे की संस्कृति नहीं विकसित हुई है। यहाँ पर सड़क या रेल मार्ग द्वारा छिंदवाड़ा पहुँचा जा सकता है। यहाँ से पास का हवाई अड्डा नागपुर है। छिंदवाड़ा से नागपुर की दूरी 125 किलोमीटर है। जबलपुर और भोपाल से सड़क मार्ग से भी छिंदवाड़ा जा सकते हैं और वहाँ से पातालकोट पहुँचा जा सकता है। इन शहरों से टैक्सियाँ और बसें भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। क्या आपको भी पातालकोट जाना है? अगर जाना तो जरूर जाइए और एक नई दुनिया को देखिए। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा जिससे आप और जानकार बने होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।